चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग सर सभी को नमो बुद्धाय। साथी साथी सभी सवन संघ और विद पीपल से जुड़े हुए सभी बहनों को और भाइयों को दाय जय भीम। अभी करमवीर सिंह सर ने बहुत ही अच्छी बात की है। उन्होंने ओवरऑल कंसेप्ट बताया है विद पीपल के बारे में। मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। हमने सभी ने देखा है कि हम लोग अभी 343 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पिछले 9 महीने से हम लोग हर दिन यहाँ पर जुड़ते हैं और जो भी साथी, चाहे वो बहन हो या कोई साथी हो, जो भी इस विद पीपल के संघ के मीटिंग में लगातार 10-15 दिन तक जुड़ता है, उसको ये देखा जाता है कि वो अपने आप को महसूस करता है कि मैं यहाँ पर प्रोग्रेस कर पा रहा हूँ, मैं मेंटली भी प्रोग्रेस कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप को इस संघ से संगठित करने के लिए भी मैं बेताब होता जा रहा हूँ। और देखते देखते मुझे ऐसा लगने लगता है कि क्यों ना इतनी अच्छी विचारधारा है जो कि तथागत बुद्ध की, जो ज्योतिबा फूले की, संत कबीर की और बाबा साहब अम्बेडकर की और बहुजनों के सारे नायक की विचारधारा है। इसीलिए जैसे जैसे ये कंसेप्ट हमको समझ में आ जाता है, हम लोग इस मुहिम से जुड़ जाते हैं। अब इसका इतिहास क्या है, हमें पता है कि तथागत बुद्ध का धम्म जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है, द बुद्ध एंड इस धम्मा में बाबा साहब ने बहुत ही ठीक तरीके से सारा त्रिपिटक का अभ्यास करते हुए हमको तथागत बुद्ध का मॉडर्न फॉर्मेट में साइंटिफिक बुद्धिज्म दिया है। तो हम कभी कभी ये सोचते हैं कि क्या आज के हालात में हम लोग इस देश को एक नया आयाम दे पाएंगे, क्या इस देश को हम एक राष्ट्र बना पाएंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में बार बार कहते हैं कि हमारा जो भारत है ये अभी राष्ट्र नहीं है। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि जो लोग समझते हैं कि ये भारत अभी राष्ट्र बना हुआ है, दे आर इन द डिलूजन, वो लोग भ्रम में है कि ये देश अभी राष्ट्र बना हुआ है। बाबा साहब कहते हैं कि जब तक इस देश में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय, ये जो कार्डिनल रूल्स है ह्यूमैनिटी के, ये रूल जड़ तक नहीं जाते, तब तक ये देश नहीं बन सकता एक राष्ट्र। तो बाबा साहब कहते कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस देश को राष्ट्र निर्माण करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने दो बातें संविधान में लिखी है। एक बात बाबा साहब ने कहा कि हमारे देश के सामने का कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने का सबसे बड़ा अगर हर्डल या कोई बड़ी रुकावट है तो वह है, इसीलिए बाबा साहब ने कहा है 25 नवंबर जाति देश विरोधी राष्ट्र विरोधी तत्व है। दूसरी बात बाबा साहब ने कही है कि हमारा जो कल्चर जो बना हुआ दिख रहा है वो दूर से तो अच्छा दिखता है, जैसा कि पर्वत है, दूर से बहुत अच्छा लगता है, बर्फ से ढका हुआ हो या रेत से ढका हुआ हो। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये जो धर्म है जो जाति जातियों में बटा हुआ है, 6,743 जातियां और करीब करीब 20,000 उप जातियों में बटा हुआ है देश है। लोग कहते हैं कि हमारी विविधताओं में एकता है, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि एकता जो है छद्मी है, ये जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं है। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये रेत का जो ढीग होता है, रेत का पहाड़ होता है, दूर से तो बहुत बड़ा पहाड़ जैसा दिखता है, लेकिन जितना हम उसके नजदीक जाते हैं तो देखते हैं कि रेत का एक एक दाना एक एक दाने से अलग अलग सा दिखाई देता है। तो बाबा साहब कहते हैं कि एक एक जातिया उस रेत के एक एक दाने जैसी है, जो कि अपने आप में स्वतंत्र एक राष्ट्र की तरह है। अपने अपने जातियों के अलग अलग कल्चर है, अपने अपने जातियों की रूढ़िया है, अपने अपने जातियों के अपने अपने हिसाब है, और जब वो एक दूसरे के साथ टकराव करती है तो वो देश को तोड़ने का ही काम करती है। क्योंकि जो भी आदमी, जो भी इंसान, जो भी देश का नागरिक अपनी खुद की जाति के बारे में सोचता है तो राष्ट्र को तोड़ने का काम करता है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। तो बाबा साहब कहते कि इसके लिए क्या कारण होगा, कौन सी चीज होगी जो हमें करनी होगी जिससे कि ये देश राष्ट्र बनेगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि मैंने जो जहां तक स्टडी किया हूं, मेरा अनुभव है, मेरी जो खोज है, मेरी जो विचारधारा, इससे मैं आपको अंतिमता कहता हूं कि बुद्ध धम्म जो है इस देश का अल्टीमेट सॉल्यूशन है। वो कैसे,
तो बाबा साहब कि बुद्ध ने जो कहा है कि हर हर जाति से वो जाति लोग जैसे आते हैं, जैसे कि नदियां जब समुन्द्र में जाकर मिल जाती, नदियां जब समुन्द्र में मिलती है तो उसका पानी हम खोज नहीं सकते, पहचान नहीं सकते कि ये पानी गंगा का है क्या, या यमुना का है, या गोदावरी का है, या कृष्णा का है। तो ऐसे ही बाबा साहब कहते कि सारे जाति के लोग इस बुद्ध धम्म कल्चर को पहचानेंगे और बुद्ध धम्म को अपना लेंगे तो सारी जातियों का वहां पर मिलाप हो जाएगा, सारी जातियां नष्ट हो जाएंगी, जैसा कि भिक्खु संघ में आने के बाद ऐसा होता है। अलग अलग कौम से, अलग अलग विचारधारा से लोग संघ में आते थे और संघ में आने के बाद सारी चीजें भूल जाते थे और एक उनका कल्चर बना होता था। तो ये बात बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में कही है, एक तो टू क्रिएट ए कास्टलेस सोसाइटी, और दूसरा बाबा साहब ने जो मैसेज दिया है वो है कि टू एस्टैब्लिश एनलाइटेड इंडिया, प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना। तो इसका अगर इतिहास हम देखते हैं, तथागत बुद्ध ने, बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा है कि बुद्ध की 2500 साल पहले जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति हुई थी उसके आधार पर सम्राट अशोक का एक जम्बूद्वीप खड़ा हुआ था जो कि आज के भारत से दुगुना बड़ा था। तो अशोक, सम्राट अशोक पे कैसे संभव हुआ कि उस वक्त तो इतने संसाधन नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी सम्राट अशोक इतना बड़ा भारत एक संघ कैसे बना पाए? तो उसके पीछे रीजन है कि जब कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग के युद्ध में ऐसा इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि करीब 1.5 लाख लोग मारे गए थे और उतने ही लोग जख्मी हुए थे। जब सम्राट अशोक ये सोचकर बहुत परेशान हुए, वो सोचने लगे कि मैं तो अभी सम्राट बन गया हूं, मेरे राज्य में केवल कलिंग ही युद्ध, कलिंग राज्य ही नहीं जुड़ा था, मेरा साम्राज्य तो अफगानिस्तान तक, ईरान, इराक तक फैला था, इधर मंगोलिया तक फैला था, इधर नेपाल, बर्मा तक, वो थाईलैंड की बॉर्डर तक, और पूरा श्रीलंका तक मेरा साम्राज्य फैला हुआ था, लेकिन ये कलिंग का राज्य मेरे राज्य में समाया नहीं था। इसीलिए मेरी एक जीत कि जब मैं कलिंग का राज्य मेरे राज्य में समाऊंगा तब मैं सबसे सुखी राजा अपने आप को पाऊंगा। लेकिन बात ऐसी हुई कि कलिंग के युद्ध में जब 1.5 लाख लोग मारे जाते, खून की नदियां बही थी, और उस वक्त वो देखते हैं कि भिक्खु संघ के लोग जो भी जख्मे और मरे हुए लोग हैं, या तो उनकी लाशें उठा रहे थे या फिर जख्मी लोगों का इलाज कर रहे थे। सम्राट अशोक परेशान हो जाते हैं कि ये कैसा हो रहा है कि मैंने इतनी, मेरी क्रूरता मेरी जो मन में मेरे थी तो मैंने पूरा करने के लोगों को जीता समझ रहा हूँ, लेकिन ये लोग तो लाशों को उठा रहे, जख्मी लोगों को उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन ये चेहरे से देखते हैं तो ये प्रसन्न दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो सम्राट अशोक बहुत ही चिंतित हुए कि इसका कारण क्या है, मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ सम्राट हूं क्योंकि मैं पॉलिटिकली जीत गया हूं, मैं पॉलिटिकली आज का जितना भारत है उससे दुगना भारत सम्राट अशोक ने जीतने के बावजूद भी सम्राट अशोक को वो खुशी नहीं मिल रही थी, वो चिंतित थे। जब फिर भंते तिस्स, मोगली पुत्र तिस्स भंते की उनसे मुलाकात हो जाती है और फिर उनके साथ सम्राट अशोक का डायलॉग हो जाता है, सम्राट अशोक को मोगली पुत्र तिस्स संघ की, धम्म की आइडियोलॉजी बताते हैं और देखते देखते सम्राट अशोक का मन परिवर्तन होता है और फिर सम्राट अशोक एक संघ की बुला लेते हैं। सम्राट अशोक ये भी देख लेते हैं कि भगवान बुद्ध के संघ को 200 साल हुए हैं लेकिन संघ में भी कुछ दरारें पड़ी हुई है, संघ में कुछ लोग ऐसे घुसे गए थे कि जो लोग अनैतिक थे लेकिन वो संघ का काम करना चाहते थे। तो सम्राट अशोक ने देखा कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मोगलीपुत्र तिस्स भंते जी से डिस्कशन किया और एक संगीति बुलाया और उससे पहले खुद को, अपने आप को बुद्ध धम्म में पिरोया, धम्म की दीक्षा ली और उनको पूछा कि मैं क्या करूं, पहला काम मैं क्या करूं। तो भंते ने कहा कि पहला एक काम करो महाराज, आप धम्मदायात बनो, धम्मदायात बनो यानी कि आप धम्म के लिए काम करो, आपके जनरेशन में, आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं क्या उन लोगों को आप धम्म में, संघ में जोड़ पाते हो? अपनी लड़की संघमित्रा और अपना लड़का महेंद्र को जोड़ दिया, उनको भिक्खु बनाया और फिर उनका कारवां शुरू हुआ। देखते देखते सम्राट अशोक का पॉलिटिकल साम्राज्य जो था वो कल्चरल और सोशल क्रांति करने में लगा और देखते देखते
सम्राट अशोक ने धम्मदूत भेजे। सम्राट अशोक के धम्मदूत बर्मा तक गए, थाईलैंड तक गए, इधर फिर उन्होंने आगे चलकर वो चाइना तक गए, मंगोलिया तक गए, फिर बाद में जाकर कोरिया, जापान तक, और सारा एशिया सम्राट अशोक के कब्जे में आ गया। कल्चरली सारे वहां के उस वक्त के राजा महाराजा थे, उनके साथ रिलेशन डेवलप हुए। संभव कैसे, तो बाबा साहब ने जो बात कही है एनिहिलेशन ऑफ क्लास में, बाबा साहब कहते हैं कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन से पहले कल्चरल और सोशल रेवोल्यूशन अगर जड़ पकड़ लेती है तो ही पॉलिटिकल रेवोल्यूशन सक्सेसफुल होने वाली है। यही बात बाबा साहब ने अपने सोशल थ्योरी में और अपने सोशल व्हील में कही है। तो बाबा साहब कहते हैं कि सबसे पहले हमें हमारी कल्चरल व्हील और सोशल व्हील बनानी पड़ेगी, नहीं तो हम पिछले 70 साल से इतना दुनिया का सबसे अच्छा संविधान होने के बावजूद भी हम लोग आज 85% होने के बावजूद भी हम लोग सत्ता में पाए, हम अपनी विचारधारा इस देश में नहीं बना पाए, ना ही हम संविधान में जो अपेक्षित है वो भारत का निर्माण कर पाए, ना ही हम भारत का, बाबा साहब का भारत बुद्धमय करने का सपना भी पूरा कर पाए। तो कौन सी कमियां थी हमारे पिछले 70 साल के इसमें, तो हमको सम्राट अशोक के राज्य के इसमें झांक कर देखना होगा। सम्राट अशोक ने जब संघ को अपना लिया, जब धम्म की फिलॉसफी को अपना लिया, तो सम्राट अशोक के शिलालेख में एक शिलालेख है जो 14 रॉक एडिक्ट्स है, उसमें सम्राट अशोक कहते हैं कि ऐसा ही विद्यायाम धम्म पालना विधाने सुकियाना गोती थी। मेरा जो शासन है, मेरा ऐसा ही विद्या, मेरा जो शासन है उसका विधि यानी कानून कैसा है, धम्म पालना धम्म विधाने सुकियाना गोती थी। तथागत बुद्ध का जो संघ है, धम्म है, कानून मैंने बनाया, संघ के धम्म के प्रचारक बनाए, और वही कानून मैंने अपने राज्य में लगाया जिससे कि सुखियाना गोती थी, मेरी जितनी भी प्रजा है वो सुखी हो और मेरी प्रजा का एक छल बने, वो तथागत बुद्ध के धम्म का आचरण करे। इसीलिए फिर अशोक कहते हैं कि 24 घंटा मैं संघ का धम्म का आचरण करता हूँ, मैं संघ से जुड़ा रहता हूँ और मैं बुद्ध के धम्म के प्रति गंभीरता से मैं हर वक्त सोचता हूँ। तो सम्राट अशोक ने वहां से फिर धम्माशोक बने हो, फिर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी बदली, उन्होंने अपना कल्चरल फिलॉसफी बदली, और सारा का सारा जोर जो बाकी के 40-50 साल का जितना भी शासन किया, धम्म को फैलाने के लिए काम किया, सारे दुनिया में अपने मैसेंजर भेजे, बुद्ध का संदेश भेजा, और उस वक्त ट्रेड के वजह से सम्राट अशोक का सारे उस वक्त के सारे दुनिया के साथ व्यापार के रिलेशन बने और उसके साथ कल्चरली लोग भी अच्छे बने। और उस वक्त ऐसा देखा जाता है कि अमर्त्य सेन कहते हैं कि सम्राट अशोक का भारत है सबसे सुखी भारत था, भारत के इतिहास में नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में। ये ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध का कल्चरल मैसेज पकड़ा, कल्चरल व्हील पकड़ी और सोशल व्हील पकड़ी, उसी व्हील को सम्राट अशोक ने अपने पॉलिटिकल व्हील में परावर्तित किया। इसीलिए सम्राट अशोक को चाहे आज जैसे उनके पास संसाधन नहीं होते हुए भी उतना भारत वो बना पाए। बाबा साहब अंबेडकर ने इस सम्राट अशोक की थ्योरी का और बुद्ध के धम्म का सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक और कल्चरल अध्ययन किया। बाबा साहब 40 साल तक धम्म का अभ्यास करते रहे और मॉडर्न फिलोसॉफी में जो मॉडर्न जो ह्यूमन राइट्स है, अमेरिका में गए तो उन्होंने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सीखी, सोशल डेमोक्रेसी सीखी, आधुनिक विचारधारा सीखी, जॉन ड्यूई के साथ, डॉक्टर गोल्डन वाइजर, प्रोफेसर कैनन, प्रोफेसर सेलिंगमैन, प्रोफेसर हार्वे रॉबिन्सन, इतने उस वक्त के सबसे अच्छे प्रोफेसर लोगों के साथ, विचारवंत लोगों के साथ बाबा साहब की बहस होती थी। उसका निचोड़ हुआ कि बाबा साहब एक इकोनॉमिस्ट तो बने, उसके साथ पॉलिटिकल फिलोसोफर बने, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बने, और उसके बाद उन्होंने इस देश को एक नई नीति दी जिसको कि बाबा साहब ने संविधान में डाल दिया। लेकिन बाबा साहब ने जो किया, बाबा साहब के पीछे हम लोग इमोशनली जुड़ गए। 14 अप्रैल की जयंती आती है, बहुत बड़ी संख्या में मनाते, बहुत सारा पैसा उड़ाते, ढोल ताशे बना लेते, इकट्ठा करते हैं और हम लोग सिर्फ बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। लेकिन बाबा साहब ने क्या सोचा था और बाबा साहब ने क्या किया था,
इसके ऊपर हम गहराई से चिंतन नहीं करते हैं। यही गलतियां हम पिछले 70 साल में कर बैठे हैं, इसलिए हम इस देश को राष्ट्र नहीं बना पाए। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हमारे जैसे 29 लाख संगठन है, 4.5 लाख संगठन एक्टिव है जो काम करते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, संगठन होना कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन अगर सारे संगठन अगर अपने आप को बाबा साहब का फॉलोअर मानते हैं, बाबा साहब के संविधान के ऊपर काम करने की सोचते हैं और उसी के ऊपर इंप्लीमेंट करने की बात हर दिन कहते हैं, लेकिन उसके ऊपर आचरण नहीं करते, तो इसका मतलब इसमें कुछ तो भी खोट है, कुछ तो भी गलतियां हो रही है। ये गलतियां देखकर पिछले 9 महीने से पहले भारत के कुछ बुद्धिजीवियों ने, जो चिंतनशील लोगों ने इकट्ठा आकर ये कोशिश की कि क्या कुछ गलतियां हमसे हो रही है, उन्होंने देखा अपने आप को कभी लीडर नहीं माना था, भगवान बुद्ध कभी नहीं कहते है। कालाम सूत्र में अगर पढ़ के देखोगे तो कहते हैं कि हे कालाम, मेरा जो संदेश है मैं जो कहता हूँ यही पश्चिम को अपन आई को, मैं जो देखता हूँ इसको देखो जानो फर्को, अगर अच्छा लगे तो मानो, अगर नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ दो, उसमें नुकसान आप ही का हो। तो बुद्ध ने कहा कि रे बात धम्म ही आपका लीडर होगा, बाबा साहब ने भी यही कहा कि मेरे जाने के बाद संविधान ही आपका लीडर होगा। और हम लोग ये इस बात के पीछे लगे हैं कि संविधान को बचाने के लिए लगे, असल में हम लोग खतरे में, इसलिए हमको लगता है कि संविधान खतरे में, हम खतरे में है इसीलिए हमको संविधान को बचाना है। और वो रेसिप्रोकल है, हम जितना संविधान को बचाएंगे, जितने संविधान के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसको बचा पाएंगे, उतने ही हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। इसके लिए हम हमारी बुराइयों को खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए एक काम करना पड़ेगा कि हमें लीडरलेस मूवमेंट खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी व्हील अगर सोशल व्हील बनानी है तो हमें कलेक्टिविटी पे विश्वास करना होगा कि एक आदमी नहीं सोचेगा, क्योंकि एक अकेले आदमी की गारंटी नहीं होती, वो आपको लीड करता है, आप उसके ऊपर विश्वास करते हो, उसको आप चंदा देते हो और इलेक्शन आने के बाद वो किसी के साथ मिल जाता है और आपको भेज भी सकता है, हो सकता है, डिपेंड्स है कि उसकी मैच्योरिटी कितनी है। अगर उसकी मैच्योरिटी बाबा साहब जैसी सोशल कल्चरल इकोनॉमिक पॉलिटिकल नहीं है तो वो संगठन वाला आपको किसी भी दिशा में ले जा सकता है, इसीलिए हमको कलेक्टिव लीडरशिप के बारे में सोचना होगा। दूसरी बात है कि हम लोग आज तक इन लोगों को चंदा देते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं कि चलो ये फुल टाइमर है अच्छा काम करेंगे, लेकिन पिछले 70 साल से हम देखते हैं कि हम तो पैसा इकट्ठा करके इनको दे देते हैं, लेकिन गहराई से इनका आचरण नहीं होने की वजह से हमें रिजल्ट नहीं आ रहे। पिछले 70 साल से जो सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल जो रिफॉर्म्स हमने करने चाहिए थे संविधान की वजह से हम नहीं ला पाए, तो इसीलिए हमको चंदा देते वक्त अगर सब लोग इकट्ठा नहीं होंगे तब तक इनको चंदा देना या नहीं देना इसके बारे में फिर से गहराई से सोचना होगा। तीसरी बात, हमें आदत क्या लगी है तो फूल माला चढ़ाओ, बड़ा स्टेज खड़ा कर दो, बड़ा सब बड़ा स्टेज खड़ा कर दो, खड़ी कर दो किसी अध्यक्ष को, उसका स्वागत कर दो उस स्टेज में, और उसमें से क्या होता है कि वो अपने आप को लीडर समझने लगता है और वो समाज को लीड करते करते अपने मन में जो भी विकृतियां है, क्योंकि वो परिपक्व नहीं है, वो धम्म का आचरण नहीं करता है, बाबा साहब जैसी उसकी मेंटेलिटी तैयार नहीं हुई है, तो वो अपने हिसाब से समाज को ले जाता है, तो हाथ में आता है कि समाज को नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम इस ईगो मेंटेन करने वाले लोगों को लीडरशिप देनी चाहिए, तो इसका आंसर आता है कि नहीं। और क्या बात होती है, इन लोगों में क्या होता है, जो आदमी उसके जिसके पास पैसा होता है और जो कभी प्रोग्राम में आता है तो कहता है कि मुझे एक अलग से कुर्सी दे दो, मेरा सम्मान करो। कोई आदमी बड़े पोस्ट पे होता है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई पॉलिटिकल अच्छा फिगर है, तो कहता है कि आपके प्रोग्राम में मुझे बुलाया और आपने मेरा सम्मान नहीं किया, तो वो आपसे खफा हो जाता है। इसका मतलब है उसमें पद का अहंकार है, प्रतिष्ठा का अहंकार है, खुद के होशियार होने का, बुद्धि होने का अहंकार है। तो पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, अहंकार है, इन सारी बातों की वजह से लीडरशिप, ये जो इकट्ठा लीडरशिप मतलब एक होने की वजह से, चंदा पानी देने से, मंच माला गलत भावनाओं से,
और अहंकार की भावना से हम लोग पिछले 70 साल से झगड़ते आए, लेकिन हम पीछे पीछे ही चलते जा रहे हैं। यहाँ पर आज ऐसी नौबत आ गई कि हमारी अगली पीढ़ियों क्या होगा, क्या अगली पीढ़ियों के लिए उनके लिए जॉब रहेंगे, क्या उनको स्वस्थ जीवन हम दे पाएंगे। यही चिंता से जो लोग चिंतित है पिछले 9 महीने से सोच रहे हैं, उन्होंने सोचा ये सारी बातों को छोड़कर हमें ये सारे हमारे दुराइयां है, हमारे बीच के जो बिखराव है उसको छोड़कर हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। इसीलिए संविधान का जो पहला लाइन है विद द पीपल ऑफ इंडिया, और समन संघ जो ये आइडिया है, ये समन जो समना होती, खुद कहते हैं कि जो समन है, जो संघ में आता है और जो धम्म का आचरण करता है वो ही अच्छा आदमी बन सकता है। तो इसीलिए बुद्ध की जो विचारधारा है, बाबा साहब ने जो हमको दी है, उसके ऊपर हमको गहराई से सोचना पड़ेगा और विद पीपल के साथ जुड़कर हमारी दिन ब दिन प्रगति होती है या नहीं होती है, इसको यही पस्सी को ओपन आई को इस धम्म के प्रिंसिपल के ऊपर उसको जांच कर परखना होगा। और अगर मैं अगर हम हमें ये अच्छा लगता है तो ये फोरम अपने लिए खुला है। पिछले 1.5-2 महीने पहले भारत के 300-350 अपना खुद का संघ बनाया, वो हर वेंसडे को अपनी करीब 2 घंटे की ओपीडी चलाते हैं। परसों ही वकील लोगों ने अपना संघ बनाया और वड्डा संघ हुआ, क्योंकि वड्डा यानी जो सीनियर सिटीजन होता है उनका भी एक संघ हुआ, इंटरनेशनल भी एक संघ, महिलाओं का भी। इसीलिए अगर इस संघ की आइडियोलॉजी को हम अगर गहराई से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो हम ये पाते हैं इसमें नुकसान तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई नुकसान है तो आप हमको बताओ कि इसमें ये नुकसान है, हम उसमें भी दुरुस्त करना चाहेंगे। तो इसके ऊपर हमको गहराई से सोचना होगा और सोचकर हमको ये देखना होगा कि क्या इसमें हमारा भला है। अगर आपको लगता है कि इसमें भला है तो आप अपने आप को जोड़ सकते हैं और अपने साथियों को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने परिचित लोगों को, और जिनके ऊपर हमारा विश्वास है उन लोगों को हम लोग जोड़ सकते हैं और उससे एक ताकत बना सकते हैं। जैसा कि बुद्ध ने कहा, ताकत है, तो ये संघ की ताकत अगर हमको दिखाना है और इस देश को इसकी बागडोर अगर हमारे हाथ में लेनी है और संविधान को सुरक्षित रखना है, तो हमें विद पीपल जैसे समन संघ के साथ जुड़ना ही होगा। अगर हम जुड़ते हैं तो आने वाली भविष्य में हमारे लिए बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं। इतनी बात मैं इस वक्त आपको बताना चाहता हूं। आपको सोचना है, आपको देखना है, जांचना है, परखना है, जुड़ना है, जोड़ना है, क्योंकि जितने बार भी हम जुड़ते हैं, इतिहास में आए कई उदाहरण पड़े हैं कि जब जब भी हम जुड़े हैं तब तब हम जीते हैं, जब जब हम जुड़ेंगे तब तब हम जीतने वाले हैं, और इसके सिवा हमको भविष्य में कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय बुद्ध, जय संविधान। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Shining.
गच्छामि Singam Sirunam Gacchami.